अगर आप झारखंड में प्राथमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो अब आपको झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। झारखंड सरकार हम अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला लेने जा रही है, जो कि झारखंड के सभी अभ्यर्थियों को इसका बहुत दिनों से इंतजार था, क्योंकि आपको भी पता होगा कि झारखंड में 3 वर्ष पहले ही JTET का आयोजन करवाया गया था। उसके बाद अभी तक सिर्फ झारखंड सरकार हर बार नई नियमावली बना रही है और प्रत्येक वर्ष लगभग 50,000 अभ्यर्थी BEd और टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट कर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार 3 वर्षों से एक भी TET का आयोजन नहीं करवा पाई है। लेकिन आज के इस नियुक्ति नियमावली के बदलाव को लेकर झारखंड सरकार एक अच्छा कदम उठाने जा रही है और यह लगभग सभी अभ्यर्थियों को पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जॉब अलर्ट के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए झारखंड सरकार ने नई नियमावली में क्या क्या बदलाव किया है और कौन कौन इसका लाभ ले सकते हैं और किन परीक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर है और किसके लिए बैड न्यूज है। लेकिन झारखंड शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2019 में क्या क्या बदलाव किया गया है और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल इंडिया जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शिक्षक नियुक्ति का सभी अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। झारखंड में होने वाली प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति में अब झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET पास परीक्षार्थी और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET पास परीक्षार्थी भी भाग ले सकेंगे। अब झारखंड CTET पास परीक्षार्थी भी नियुक्ति लिया जाएगा, जबकि इतने वर्षों से CTET पास परीक्षार्थियों को झारखंड में शिक्षक बनने का मौका कभी नहीं दिया गया था। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि झारखंड में शिक्षक बनने के लिए जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य है, लेकिन अब झारखंड में CTET पास परीक्षार्थियों को भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि झारखंड में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का परीक्षा नहीं लिया जाएगा। इसका सही रीजन यह है कि अब झारखंड में TET पास करने के बाद नियुक्ति के लिए हमें एक और परीक्षा से गुजरना होगा, जो कुल 250 अंकों का परीक्षा लिया जाएगा और उसमें जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में पास करना अनिवार्य होगा और यह परीक्षा CTET और JTET पास दोनों परीक्षार्थियों को देना होगा। और यह सिर्फ झारखंड के CTET पास परीक्षार्थियों के लिए ही एलिजिबल है, कोई भी दूसरे राज्य के CTET पास परीक्षार्थी अब झारखंड शिक्षक नियुक्ति के लिए एलिजिबल नहीं है और ना ही दूसरे राज्य के JTET पास परीक्षार्थी। और इस शिक्षक नियुक्ति नियमावली के बदलाव से वैसे परीक्षार्थियों को ज़्यादा लाभ होने वाला है जो JTET 2016 नहीं पास किए थे या JTET 2016 का परीक्षा किसी कारणवश नहीं दे पाए थे या जिन्होंने अभी BEd या टीचर ट्रेनिंग पास किया है और CTET पास कर चुके या दिसंबर 2019 में होने वाले परीक्षा में भाग लेंगे, क्योंकि उन्हें झारखंड में शिक्षक बनने के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। लेकिन वैसे परीक्षार्थी जो JTET 2016 पास कर चुके हैं और अपने नियोजन का इंतजार कर रहे हैं, वैसे परीक्षार्थियों को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि सबसे पहली बात तो JTET 2016 में जो परीक्षार्थी पास कर चुके हैं वह लगभग 4 वर्षों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, जबकि CTET प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजन करवाया जाता है और 3 वर्षों में लगभग झारखंड के बहुत सारे परीक्षार्थी CTET पास कर चुके हैं और बहुतों ने अभी CTET का आवेदन की दिया है, जिससे क्या होगा कि इतने वर्ष इंतजार करने के बाद भी कंपटीशन बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि नियुक्ति बहुत कम है और CTET पास परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा। अभी तक JTET पास परीक्षार्थियों के लिए ही नियुक्ति कम पड़ रहा था। झारखंड में होने वाली शिक्षकों की नई नियुक्ति में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET पास परीक्षार्थियों को भी मौका मिलेगा। यह लगभग उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो झारखंड के रहने वाले होंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग शिक्षक नियुक्ति नियमावली में इसका प्रावधान करने जा रही है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट भेजने की तैयारी है। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास अभ्यर्थी ही अब तक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए योग्य थे। सरकार झारखंड में रहने वाले वैसे लोग जो CTET पास हैं उन्हें भी TET पास अभ्यर्थियों के साथ नियुक्ति प्रक्रिया में मौका देने का फैसला कर रही है। सरकार यह निर्णय स्कूलों में
विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नहीं मिलने की वजह से ले रही है। सरकार को उम्मीद है कि सीटेट के अभ्यर्थियों को भी मौका देने से ज़्यादा अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे और स्कूलों को शिक्षक मिल सकेंगे। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा साल में 2 बार होती है और इसके प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल रहती है। वहीं राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा तो हर साल होनी है लेकिन होती नहीं है, और राज्य सरकार ने नई नियमावली को मंगलवार को ही मंजूरी दे दी है। अब राज्य में 2013 और 2016 में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। टेट के सर्टिफिकेट की मान्यता भी पहले 5 साल थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 7 साल किया है।